दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सभी एलएसपी के ई मित्र के लिए लॉकडाउन पास व लॉकडाउन आईडी कार्ड ऑनलाइन कैसे मिलेगा, क्या इसका कोई ऑफिशियल अपडेट दिया गया है, तो पूरा का पूरा आपको प्रोसेस आपको बताऊंगा जिससे आप ई मित्र खोलने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, आप भी अपना ई मित्र खोल पाओगे। तो आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊँगा। तो उसके लिए वंशुडो के साथ, उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सर के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको अपना मित्र आपको लॉगिन कर लेना। ई मित्र लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डाउनलोड सर्टिफिकेट का। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा आपको प्रोसेस आपको बताऊँगा। आपको पता होगा आचार्य एलएसपी की तरफ से उनकी वेबसाइट पर एक अपडेट दिया गया आईडी कार्ड डाउनलोड करने का। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये केवल आचार्य एलएसपी वालों के लिए अपडेट दी गई, यहाँ पर केवल आचार्य एलएसपी की तरफ से यहाँ पर उनकी वेबसाइट पर ये अपडेट दी गई है जिससे वहाँ से आईडी कार्ड डाउनलोड करोगे। आईडी कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें आपके नाम पते आप आ जाते हैं, उसके बाद में क्यूएसओ कोड आ जाते हैं, जो यहाँ पर आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट है इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ईडीआईटी की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा सभी कंपनी के यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ईडीआईटी की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया। अगर ऐसा अपडेट दिया होता तो मैं आपको बताना चाहूँगा सभी एलएसपी को ये ऑप्शन देखने को मिलता आईडी कार्ड डाउनलोड करने का, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर ईडीआईटी की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया गया जिससे आप आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर आचार्य एलएसपी की तरफ से उनकी वेबसाइट पर ये अपडेट किया गया। तो अगर आप यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सरकार की तरफ से मित्र खोलने का पूरा यहाँ पर आदेश है। अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो निर्देश दिए गए, जहाँ पर जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी यहाँ पर मित्र बंद का आदेश है तो वहाँ पर बंद रहेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया तो आपको मित्र खोलने का पूरा मैं आपको बताना चाहूँगा अनुमति है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आप अपने मित्र खोलने के लिए ऐसा कोई आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या, आपका जो भी यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट है तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इसको आपको प्रिंट आपको कर लेना, अपने पास आपको रख लेना। उसके बाद में इस प्रिंट को आपको अपनी दुकान में भी आपको चिपका लेना जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो सरकार की तरफ से डीजीपी की तरफ से जो दिशा निर्देश निकाले गए उसको भी आपको पीडीएफ आपको निकाल लेनी है आपके प्रिंटर से। जैसे ही पीडीएफ आपको अपने प्रिंटर से आपको निकाल लेनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर लास्ट अपडेट दी गई थी, यहाँ पर 8 तारीख को देख लिया, 8 तारीख को ये अपडेट दी गई थी। इसमें यहाँ पर डीजीपी के द्वारा साफ साफ यहाँ पर जो निर्देश निकाले गए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ आपको मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर ई मित्र खोलने का पूरा का पूरा यहाँ पर आदेश है। तो आप यहाँ पर जैसे अगर कोई आपको भी मिल जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप इस दिशा निर्देश को वहाँ पर दिखा सकते हो और आपको यहाँ पर जो भी मित्र का सर्टिफिकेट है उसको भी आप दिखा सकते हो जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ दे लिया ई मित्र आधार केंद्र जो भी यहाँ पर सेवा है मैं आपको बताना चाहूँगा, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ, तो ये दिशा निर्देश भी आपको अपने पास रख लेना जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। आप बता सको कि यहाँ पर सरकार की तरफ से आदेश दिया गया कि हम यहाँ पर ई मित्र खोल सकते हैं। मैं आपको बता रहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहाँ पर ई मित्र को बंद करने का आदेश है वहाँ पर आप ई मित्र नहीं चला सकते, लेकिन जहाँ पर आदेश सरकार की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा जिस डिस्ट्रिक्ट में ई मित्र बंद करने का आदेश नहीं आप अपना ई मित्र चला सकते हो यहाँ पर। तो आपको करना क्या, मैं आपको देता हूँ, इसको आपको प्रिंट करके आपको रख लेना। उसके बाद में आपके जो भी मित्र में यहाँ पर सर्टिफिकेट है इसको आपको अपने पास रख लेना जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ पर ड्यूआईटी की तरफ से ऑफिशियल कोई ऐसा अपडेट नहीं, अगर ऐसा कोई अपडेट मिलता तो मैं आपको बताना चाहूँगा सभी एलएसपी के यहाँ पर आईडी कार्ड डाउनलोड होते यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिया जाता, लेकिन यहाँ पर आचार्य एलएसपी की तरफ से अपडेट दिया गया उनकी वेबसाइट पर तो यहाँ पर उनका यहाँ पर आईडी कार्ड डाउनलोड हो रहा। तो यहाँ पर सारा का सारा मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको यहाँ पर मित्र चलाना, आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर ऐसी कोई अपडेट आती है आईडी कार्ड डाउनलोड करने की तो मैं पूरा का पूरा आपको डिटेल के साथ बता दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को। धन्यवाद।